मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से मंडी जिला के सरास विधानसभा क्षेत्र में कुनाक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में SBI की 325वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि शाखा में स्थित ATM में पैसे निकालने और जमा करने की भी सुविधा होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने से क्षेत्र की लंबित मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह शाखा न केवल कर्मचारियों, पेंशनर्स और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अच्छे और ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव करें, ताकि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह शाखा आधुनिक मशीनों और उपकरणों के साथ नई तकनीक से लैस है। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा और भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ ये ब्रांच खोलने का एक निर्णय हुआ है, ये सही मायने में हम सबके लिए स्वागत योग्य है। बहुत सारे विकास कार्य हमने सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित किए हैं। लगभग एक दिन में ही 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और 53 योजनाएं उस दिन हमने उद्घाटन और शिलान्यास की थी और आज ये एक और उसमें एडिशन हो गई। और इस बैंक के खुलने के पश्चात हमारे सारे इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा उस दृष्टि से रहेगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इसके ATM से रिलेटेड, तो वो भी इसमें उपलब्ध है। आप कैश डाल भी सकते हैं, जमा करना चाहते हैं तो जमा भी कर सकते हैं और निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। दोनों चीजें, यानी कि 24 घंटे ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने पैसे का सही सदुपयोग करें और बैंक में अकाउंट खोल करके इस बैंक को और भी ज्यादा वायबल बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।